हेलो, नमस्ते, नमस्ते मैम। क्या नाम है आपका? मैम, मेरा नाम सौरभ वाल्मीकि है अच्छा, और मैं लखीमपुर खीरी का रहने वाला हूँ। लखीमपुर जी कहाँ मैम, है? यूपी में पढ़ता है मैम। यूपी में पढ़ता जी है। मैम, और गाना कहाँ से सीखा, कब सीखा? पहले तो कहते हैं कि म्यूज़िक का कोई धर्म और जाति नहीं होती, ऑफ वाह, कोर्स, बिल्कुल पर बिल्कुल मैं सही। सच बताऊँ तो हमें काफ़ी जाति और धर्म से लड़ना पड़ा। क्या हुआ कि पहले तो हम लोग सीखने के लिए जब गए ना, तो वहाँ पर कोई सिखाने के लिए एग्री ही नहीं हुआ। क्यों क्यों ऐसा, क्यों ऐसा? छुआछात ये सब। जाति धर्म के नाम पर आज भी हमारे समाज में कुछ लोगों को उपेक्षित किया जाता है, जो कि हमारे इस विकसित समाज का एक कड़वा सच है और इंडियन आइडल ऐसी मानसिकता का विरोध करता है। म्यूजिक को लेकर भी मैंने जातिवाद देखी। म्यूजिक के लिए उस टाइम इतनी तड़प थी कि मैं जहां जाता था तो मुझे कोई गुरु बोलता था कि मैं सिर्फ लड़कियों को सिखाता हूँ, कोई बोलता था कि मेरे पास टाइम नहीं है, कोई ना कोई बहाना करके बस मना कर दिया। हमारा ब्रास बैंड है, हम शादियों में जाते हैं, बाजा बजाते हैं, और वहाँ पर हमको खाना वाना नहीं दिया जाता क्योंकि हम निचली जात से हैं। रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब चीज़ें जीने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, पर मेरे हिसाब से एक चीज़ और है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है इज्जत। इससे घिनौना काम कोई कर ही नहीं सकता। मैं तो नहीं हूँ इंसानों में। यहाँ आप आए हो, सबसे पहले गाना शुरू करने से पहले आपसे मैं गले मिलना चाहता हूँ। फिर रहा हूँ ढूंढता मेरे निशान, मेरे निशान। और सिर्फ आप ही क्यों गले मिलेंगे, हमने क्या गुनाह किया है, हम भी गले मिलेंगे। उड़ देना, सबको दिखा देना। ऑल द बेस्ट, नर्वस मत होइएगा। ऐसा गाओ कि दुनिया याद रखे जी, और घबराना नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। शुरू हो जाओ। ओरे पिया है, ओरे पिया, ओरे पिया। Mama, pa, 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 ma, ga, re, re, sa, sa, re, re, sa, ga, ga, re, ma, ma, ga, pa, pa, ma, da, da, pa, ni, ni, da, da, pa, pa, da, ma, pa, da, ni, da, ni, da, 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 Nange pero pe angaro chalte rahe hai, chalte rahe लेता है के गैरों में मैं पलती रही है, ले चल वहां जो मुल्क तेरा है, जाग जमाना दुश्मन मेरा है।
सौरभ, मेरे हिसाब से आज ये तुमने यहां आकर प्रूफ कर दिया है कि कला किसी के गुलाम नहीं है। तुम किसी के गुलाम नहीं हो। थैंक यू सर। इंग्लिश में कहते हैं रोजेस डू नॉट ग्रो ओनली इन द कोर्टयार्ड ऑफ किंग्स, दे आल्सो ग्रो इन द बैकयार्ड ऑफ बिगर्स। ये फूल सिर्फ राजाओं के महलों की जागीर नहीं है, गुलाब का फूल तो कहीं भी खिल सकता है। तो वो गुलाब का फूल हो जो अब खिलने वाले हो इंडियन आइडल के मंच के जरिए। आप मेरी तरफ से मैं कहना चाहता हूं मुंबई जरूर आएंगे। थैंक यू सर। सौरभ, ये मुल्क तेरा है, बता दो उन लोगों को ये मुल्क सिर्फ आपका है, ये मुल्क हम सबका है, जितने भी इंडिया में जितने भी लोग बसते हैं उन सबका इंडिया है। थैंक यू सर। वी लव यू। थैंक यू। अब मैं आपकी गायकी की बात करती हूँ, बहुत 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 सुंदर। सो फॉर मी इट्स अ बिग यस, और खुली बाहों से बहुत 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 बड़ी हाँ है। और शायद विशाल आप इमोशनल हो गए हैं। पहले तो अपनी आपकी बातों को हमने बुला के गले लगवाया, अब आपके आपकी आवाज को आपके गाने को आके गले लगाऊंगा। बहुत बहुत खूबसूरत गाया। थैंक यू सर। कुछ ऐसी लगन इस लम्हे